नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ग्रुप। आज देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें कि मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित है, तो उसको आप कमेंट में जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चेज, फ्रीजो और बॉल ये किस खेल से संबंधित है, तो ये खो खो से है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्विस ऑफ क्वींसबेरी ये किस खेल के नियम है, तो आपको पता होना चाहिए ये बॉक्सिंग खेल के नियम है। आगे बढ़ते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन विख्यात है, जी हाँ मिल्खा सिंह। भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना, 1938 में, 1938 याद होगा आपको, हरिहरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं, मानवजीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो जी हाँ शूटिंग से, निशानेबाजी। ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है, ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक है अभिनव बिंद्रा। आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल का सॉल्ट लेक स्टेडियम, जी हाँ हर एक को पता है, कोलकाता। फुटबॉल की गेंद की परिधि कितनी होती है, जी हाँ तो 27 से 28 इंच तक होती है, यानी कि 68.5 से लेकर 71 सेंटीमीटर तक। सॉसर किस खेल का दूसरा नाम है, फुटबॉल का। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से। द वर्ल्ड बीनीथ फीट ये बैडमिंटन के किस कोच की जीवनी है, जी हाँ ये गोपी चंद है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन। पंजाब में जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है, तो नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स संसारपुर को कहा जाता है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं, विजय सिंह जो है वो फिजी के हैं। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी बदल सकती है, जी हाँ 3 खिलाड़ी, पूरे खेल के दौरान वो जो 90 मिनट का खेल होता है उनमें 3 खिलाड़ी बदल सकती हैं। हॉकी के खेल का परिमाप कितना होता है, तो जी हाँ 100x60 गज। किस भारतीय क्रिकेटर को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का गौरव प्राप्त है, जी हाँ यह है सचिन रमेश तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं, गामिनी, संजीवनी, अमर, ब्राह्मणी ये सब किस खेल के विविध रूप हैं, तो जी हाँ ये कबड्डी के विविध रूप हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, जी हाँ तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला जो थी वो मेरी लीला रोड थी। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में किए जाते हैं, जी हाँ ये 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, जैसे कि एक विंटर ओलंपिक से अगले विंटर ओलंपिक्स 4 साल का गैप होगा, उसी तरह एक समर ओलंपिक से लेकर के अगले समर ओलंपिक्स में 4 साल का गैप होगा। देखिए जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं, तो जी हाँ ये परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है, जी हाँ एशियन गेम्स का प्रतीक जो है वह चमकता हुआ सूरज है, शाइनिंग सन। राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका आदर्श वाक्य क्या है, ह्यूमैनिटी, इक्विलिटी एंड डेस्टिनी। आगे बढ़ते हैं, ट्रेफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है, जी हाँ तो ट्रेफलगर ट्रॉफी जो है ये कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाली देश को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, जी हाँ तो डेविड डिक्सन पुरस्कार ये नताली टोइट को दिया गया था। वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 1958 में। फर्नांडो ओलोंसो किस खेल से संबंधित है, फॉर्मूला 1 रेसेस। चाइना कप किस खेल से संबंधित है, जी हाँ जिम्नास्ट। रोइंग किस खेल से संबंधित है, तो नौकायान से यानी कि बोट रेसिंग से। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है, जी हाँ शतरंज को। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल। अमेरिका कप जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी होती हैं, तो 4 खिलाड़ी। स्वाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे है, तो जी हाँ स्वाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में है। ग्राउंड स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो ग्राउंड स्ट्रोक जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है, तो अंजलि भागवत जो है वो शूटिंग से संबंधित है।
चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, जिससे कि ग्राउंड स्ट्रोक शब्द संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। जी हाँ, आपको बता दें कि बुल्स आई जो है ये आर्चरी और शूटिंग दोनों में यूज होता है, बुल्स आई। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? जी हाँ, 1889 से जो बना हुआ मोहन बगान, वो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है कलकत्ता में। सडन डेथ किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, सडन डेथ जो है ये रेसलिंग यानी कुश्ती से संबंधित है, और ये वर्ड जो कॉइन हुआ था वो कैनेडियन रेसलिंग से संबंधित है। सडन डेथ जो है वो कैनेडियन रेसलिंग यानी कैनेडा में जो रेसलिंग होता है उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाला भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट ने कौन सा खिताब जीता? तो ये फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का है। आगे बढ़ते हैं, बनाना की किस खेल से संबंधित है? तो जितने भी किक आएंगे वो फुटबॉल से संबंधित होंगे। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है, आपको पता होगा, और ये हॉकी से संबंधित है। टाइगर वुड किस देश के खिलाड़ी हैं? तो टाइगर वुड सबको पता है, अमेरिका के, यूएसए के। गोल्फ गेंद का वजन कितना होता है? तो जी हाँ, ये 1.5 नहीं होगा, 1.62 औंस होगा, और इसको ग्राम में अगर बदलेंगे तो 45.9 ग्राम आता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये लोसान स्विट्जरलैंड में है। कबड्डी खेल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ, 7 खिलाड़ी होते हैं। नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए, यानी कि विंटर ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो 1924 में। और एक अंतिम क्वेश्चन जो है वो है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम ओलंपिक पद जीता? जी हाँ, तो टेनिस खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक जीता, भारतीय खिलाड़ी, वो है लिएंडर पेस। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया? जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेल वैसे शुरू तो हो गया था 1930 में ही, लेकिन 4 साल बाद जो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1934 में, उसमें पार्टिसिपेट किया था भारत। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल जी नई दिल्ली में हो चुका है। आगे देखते हैं, एशियन गेम्स का प्रारंभ कब हुआ? जी हाँ, 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था ये। चलिए आगे देखते हैं, नई दिल्ली में संपन्न 2010 का एशियन गेम्स का शुभंकर क्या था? जंतर मंतर। चलिए आगे देखते हैं, पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जिसमें 13 देश शामिल किए गए थे वो कहाँ हुआ था? वो 1930 में हुआ था उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में। सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फीफा का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, फीफा का मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में है। प्रथम महिला विश्व कप फुटबॉल संपन्न कब हुआ? जी हाँ, महिला विश्व कप फुटबॉल चाइना में संपन्न हुआ, जिसमें अमेरिका जीता था। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन कब हुआ था? 1857 में इंग्लैंड में। जी हाँ, जब हमारे यहाँ क्रांति हो रहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का, तो वहाँ पे शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था? जी हाँ, भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन सा है? फीफा, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मुख्यालय पेरिस में है। 2010 तथा 2014 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे हुआ? जी हाँ, वो 2010 का हुआ दक्षिण अफ्रीका में और 2014 का ब्राज़ील में। हॉकी की सर्वोच्च संस्था FIH की स्थापना कब हुई? 1884 में। हॉकी का पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया? 1971 बार्सिलोना में। विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की सर्वप्रथम जीत कब हुई? जी हाँ, हॉकी में सर्वप्रथम जीत 1975 में कुआलालंपुर में हुई। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम के सर्वप्रथम कप्तान ओलंपिक में कौन थे? जी हाँ, वो जयपाल सिंह मुंडा थे, जसपाल सिंह नहीं थे। 1928 में जो ओलंपिक गेम हुआ था एम्स्टर्डम में, उसके कप्तान जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के थे। आगे देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी?
जी हाँ, ये 1991-1992 में हुई थी और इसकी पुरस्कार की राशि 7.5 लाख थी, शुरुआत जब हुई थी तब। अर्जुन पुरस्कार कब शुरुआत हुई? 1961 में, पुरस्कार राशि 5 लाख। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में, पुरस्कार राशि 5 लाख। देखिए एक वर्ड है चाइना कप, जो है किससे संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको बता दूं चाइना मैन जो है, चाइना मैन वो वर्ड है क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन चाइना कप जो है ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। इसी तरह अमेरिका कप, जी अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? वो है बास्केटबॉल। आगे बढ़ते हैं, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? IOC यानी इंडियन ओलंपिक कमीशन की 1924 में, जे.जे. टाटा की तरफ से अध्यक्ष बने थे वो। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट सीमा अंतिल। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथ कृष्णन। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त, यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है उस दिन 29 अगस्त को। फॉर्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक नारायण कार्तिकेन। इंग्लैंड स्थित ब्लैक हिल स्टेडियम कहाँ पर किस संबंधित है? तो ब्लैक हिल स्टेडियम जो है वो रग्बी, एक तरह का फुटबॉल होता है वो, उससे संबंधित है। महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, आपको पता ही है कि डोनाल्ड ब्रैडमैन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। मैराथन दौड़ कितनी दूरी की होती है? जी हाँ, 26 मील, यानी कि लगभग देखा जाए तो 42 किलोमीटर, 26 मील या फिर 26 मील 385 गज, यानी कि 42 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला में। दंगल मूवी भी आपने देखा होगा, पटियाला में है वो, दिखाया भी गया है। फुटबॉल खेल का जन्मदाता कौन है? तो आपको बता दें फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये दोनों का जन्मदाता इंग्लैंड ही है। लेकिन देखिए ये क्या है कि कभी भी वो ना वर्ल्ड कप जीत पाया है, ना ही वो फुटबॉल फुटबॉल का जीत पाया है वर्ल्ड कप। आगे देखते हैं, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है? तो जी हाँ, तो इसको याद रखने का तरीका है AWFA। ए से सबसे पहला जो होता है ऑस्ट्रेलिया, W से विंबलडन, F से फ्रेंच, और एक और जो होता है वो अमेरिकन कप, US ओपन। ओके आगे बढ़ते, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है बता दिया मैंने, टेनिस या ब्रिज से। हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? जी 70 मिनट, आपने चक दे इंडिया में ये देखा भी होगा, 70 मिनट, सिर्फ 70 मिनट है तुम्हारे पास, तो इससे याद रख सकते हैं 70 मिनट। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? जी स्विट्जरलैंड को। ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में अंतिम बार स्वर्ण पदक कब जीता था? जी हाँ, तो ये 1980, ये आई थिंक गलत है, आगे देखना पड़ेगा इसको। चलिए इसको देखेंगे, भारतीय क्रिकेट का पितामह, जी हाँ देवधर को कहा जाता है, उसी के नाम पे देवधर ट्रॉफी भी है, जिन्हें भारत का पितामह भी कहा जाता है। तीसरे अंपायर के नियम के पहले शिकार, ये क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे कि तीसरे अंपायर के नियम के पहला शिकार जो है वो तेंदुलकर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है वो। तो दोस्तों ये खेल कूद से संबंधित MCQ क्वेश्चंस का पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को देख रहे होंगे और इसे लाइक कर रहे होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।